कोई बिहार की शान शौकत बढ़ाने के लिए मर रहा है तो कोई बिहार की भोजपुरी भाषा को 8वां अनुसूची में दर्ज कराने के लिए नाम दिन रात मेहनत लगन और परिश्रम कर रहा है ताकि अपना भोजपुरी भाषा का मिठास पूरे ब्रह्मांड में हिंदुस्तान के कोने कोने में जाए। पर ये लोग कुछ एकदम ना छिनराई करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लाख विरोध और लाख पाबंदियों के बाद भी एक गाना अभी अभी होली का आया है, विजय चौहान ने खुद से लिखा है और खुद से गाया भी है। हाँ, क्या गाना गाया है चलते हुए आपको दिखा होगा। गाने का नाम है ए जूली, ए जूली, ए जूली। अब जूली विजय चौहान की माँ का नाम है या बहन का नाम है, अपने शायद माँ बहनों पे ही ये गाना गाया होगा। अभी आपको पता है कि वर्षों से हमारे विरोध के बाद खेसारी, पवन, कल्लू, चाहे जिस कलाकार की बात कर लें, इस प्रकार के नीच गाना तो कोई ला नहीं रहा है भाई। अगर मजबूरन आकर अगर अभद्र हम बोलें कहीं रे जूली तोर बहन के कि मौसी के कि नानी के नाम है लो, तो ये बुरा मान जाएंगे। भाई तुमको कौन सा ऐसा विपत्ति आ जाता है भाई, कौन सा ऐसा पैसों की बारिश होता है तुम्हारे ऊपर कि मजबूरन किसी माँ बहन बेटियों का नाम रखना पड़ जाता है गाने में? शर्म नहीं आता? अरे भाई शर्म करो, चुल्लू भर पानी में नाक डुबा कर मर जा, मतलब घिनौना कर दिए हो यार, पूरा गमका दिए हो। क्या ही जरूरत थी बताओ ना, वायरल भोजपुरी पे गाना आया है और लिखा भी है और साथ में इसका वो जो है ना रख वो भी गाई है। नाम हम नहीं लेना चाहेंगे लेकिन इतना साफ तौर पे हम कहेंगे आज कि विजय चौहान, काश तुम्हारे माँ या बहन का नाम जूली रहता तो शायद उस पर तुम गाना नहीं गाते। हाँ, इसलिए गाए हो कि किसी तरह तुम्हारे आस पड़ोस सगे संबंधी का नाम होगा नहीं, लेकिन नहीं रे, अगर तुम्हारे घर में किसी का यह नाम नहीं है तो किसी का नाम नहीं है। हम मानते हैं कि गाना तुम्हारे ही माँ के ऊपर फरमाया हुआ है, तुम्हारे ही बहन के ऊपर फरमाया हुआ है, क्योंकि हमको तो लगता है कि वही भाई उत्पन्न कहाँ, मन में विचार कहाँ से आया। अब कुछ चूतिए कहें कि अच्छे गाने का प्रमोशन कर, तो किसी के बाप का बपोतिया, किसी बाप का नौकर तो हम हैं नहीं कि जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। हाँ, जो अच्छा लगता है वो अच्छा कहेंगे और बुरा लगने पे बुरा भी हम कहते हैं। मतलब इस प्रकार का नीचा पना दिखाओगे और कौन इसका समर्थन और सपोर्ट करेगा बे? एक नंबर का दोगला और जाहिल होगे, समझे कि नहीं? इस प्रकार की बहन बेटियों के नाम के ऊपर भी गाना बनता है और तुम चुपचाप मौन और शांत रहते हो ना, तो समझो कि मर्द नहीं तुम नपुंसक हो, है ना? सच्चा मर्द वही है जो गलत को गलत और सही को सही कहे। हम लाख समर्थन अगर किसी का करते हैं तो विरोध भी उतने ही पुरजोर करते हैं। तो क्या हाल चाल है तुम्हारी जूली बहन का रे विजय चौहान? अब बहन का नहीं तो माँ का भी बढ़िया होगा, बुरा मत मानना क्योंकि होली है ना, होली ही तुम गाए हो। बाकी वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिए, इन निन्याहों को बता दीजिए कि बेटना जितना तुम नाक पे गाते हो ना, अगर पुराने रंगत में हम आ गए ना तो शायद तुम महीनों महीनों सो नहीं पाओगे, है ना? क्योंकि जिसके लिए हमें लोग जानते हैं ना, जिसके लिए हमें लोग पहचानते हैं ना, इसे हम कैसे भूल सकते हैं। बाकी तुम्हारी माँ बहनों को भी मुबारक हमारे तरफ से, है ना? आशिक ही समझ लेना उसका, है ना, अपने माँ बहन का होली एडवांस है। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कहिए कि क्या नीच को नहीं कुछ कहना चाहिए, ऐसे ही गाने देना चाहिए। बाकी विदा लेना चाहेंगे, नमस्कार, प्रणाम रहेगा और जय मगध जय बिहार।